ना ना रब्ता हो गया और बात की आपसे, आपकी मैंने बातें सुनी, मेरी भी आपने सुनी होगी। आप अगर रियल मुसलमान हो ना तो किसी के ऊपर किसी की बात सुनी हुई किसी के ऊपर मत ठोकिए। आपको ये मैं आपको जो है रिक्वेस्ट करो, और आप इंसान हो तो थोड़ा सा जो है खुद ख्याल करें इस चीज के बारे में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कामरान अली आपने लेक्चर देने आए हो, बाकी हर किसी का लेक्चर देने आए हो। ठीक है, लेकिन हर किसी का एक अपना ईमान होता है, तो आप किसी के ईमान के बारे में कोई बात नहीं कर सकते। एक हिंदू है ना, वो भी एक बुद्ध का पूजा करता है, तो आप उसके बारे में भी नहीं कह सकते। हमारा मुसलमानों का एक किताब में लिखा होगा, प्रूफ है हमारे पास, कि आप किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप अपना ईमान सीधा करें। आपने अच्छा, आपने तकरीबन 1 मिनट लेक्चर दिया, मैंने बड़ी तहमुल के साथ आपकी बात सुनी। और एक जब पढ़ा लिखा कोई इस्माइली आगा खानी आके बात करता है तो उसमें फायदा ये होता है कि वो बात बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड भी करता है। अब आपने मुझसे ये कहा कि मैं आपके इमाम पर इल्जाम लगा रही हूँ कि वो शायद सरीना होटल में शराब बेचते हैं, ठीक है। अब जब मैंने आपको प्रूफ दिया तो आपने उस टॉपिक को निकाल के, उससे हट के आपने मुझे एक तकरीबन 1 मिनट का लेक्चर दे दिया। तो क्या मैं आपको वापस अगर उस पॉइंट पे लेकर आऊं कि जहां आपने इनिशियल कॉन्वर्सेशन आपने स्टार्ट की थी कि मैंने आपके इमाम पर इल्जाम लगाया, अब आपको जब मैंने प्रूफ दिया तो आप कहते हैं कि ये मैं भी जानता हूं कि सरीना होटल में शराब बेची जाती है। तो क्या आप और मैं दोनों इस पॉइंट पे एग्री करेंगे कि सरीना होटल में शराब बेची जाती है? नंबर वन पॉइंट यार, फिर वही बात आती है, मैंने आपको बोल बोल के थक गया हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सरीना होटल अभी इमरान खान का, मैंने आपको मिसाल इसीलिए दिया है कि ये चीज होती है हर जगह में, अच्छे बुरे पाए जाते हैं लोग। आप लोगों को मैं आपको अभी, आप एक लेडीज है, मैं मुनासिब नहीं समझता ना, हमारे इमाम ऐसा कहते कि आप किसी लेडीज के साथ इस तरह बात करें। मैं आपको बता सकता हूँ, ये जो है ना आपके जो दूसरे बरादरी है, हमारे मुसलमान बरादरी जी जो खुद को बड़ा मुसलमान समझते हैं, मुझे आपको उनके बारे में आपको प्रूफ दिखाऊं किस तरह गलत काम कर रहे हैं मुसलमानों का। पंजाब में आए, कराची में जाए, आपको आपका आपके भाइयों का हालत पता चलेगा, बहनों का हालत पता चलेगा, जो अपने बेटों को बेच के जो है ना धंधे करवाते हैं अपनी बेटियों से। देखिए आप एक सरीना होटल की शराब को क्यों देख रही है? मुझे फिर एक चीज का सबसे गुना हमारे मजहब में सबसे गुना जिना का है, ठीक है। आपके 60 साल के बूढ़े बूढ़े छोटे छोटे 3-4 साल के लड़कियों के साथ जिना करते, वो गलत है या ये गलत है? आप मुझे प्रूफ करें इस चीज को। सवाल हो गया आपका, आपको बड़ा मुसलमान कहती है ना मेरे भाई, सवाल हो गया, तहम्मुल से जवाब सुनना। बिल्कुल, मुझे ये बताइए कि इस्लाम की तालीमात में क्या चीज है कि जिना करना जायज है या गुनाह है, बताइए जरा। गुनाह है, ठीक है। आप भी कहते हो गुनाह है, मैं भी कहती हूँ गुनाह है। तो अगर कोई लोग अपनी खुद की नफ्स के पैरोकार होके, अपने नफ्स के शिकंजे में आकर गुनाह करते हैं, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है या आपके ऊपर है? हम दोनों के ऊपर है क्या? नहीं है ना। आपको मैं नहीं कह सकती, आप एक सेकेंड जवाब सुन लीजिए ना, आप मुझे कह सकते हो ना मैं आपको कह सकती हूँ, ना मैं उनको अपना इमाम मानती हूँ ना आप उनको अपना इमाम मानते हैं, हम दोनों उनको लानती कहते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से तो मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड मेरे भाई, वो मौलवी आप के यहाँ टर्म आप मौलवी इस्तेमाल करते हो, हमारे यहाँ उस आदमी को हम मुसलमान भी नहीं कहते कि जो इतने बड़े ओहदे पर। मेरे भाई बात सुन लीजिए, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी मसाजिद हैं सबके सब मौलवी ये काम करते हैं, सबके सब ऐसे हैं? जरा मुझे बताइए। सारे दाढ़ी वाले से करते हैं, मौला अली की दाढ़ी थी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी थी। एक सेकेंड, आप उस एंगल पे जा रही है, अब मैं वही बता रहा हूँ, हम मौला अली के पैरोकार हैं, हम इधर जो है ना हुजूर पाक के पैरोकार हैं, इधर आगे हम गलत काम करें तो क्या? पैरोकार का एक सेकेंड, कामरान के साथ गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, सबर से बात। आपने कहा बहुत अच्छी अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखो, जहां आपने सबको, सारे दाढ़ी वालों को ये कह दिया कि ये सारे के सारे नाउज़ु बिल्ला मस्जिदों में बच्चों के साथ जिना करते हैं, ये आपने स्टेटमेंट दी, ये इस स्टेटमेंट का सारे सारे मौलवी, सारे वन टू ऑल,
लोगों का जो सबसे बड़ा मूवी है फजल अहमद साहब, सर सारे उसको आप आपने देखिएगा, साहब आपने कह दिया कि उसमें जितने वो भी दाढ़ी वाले हैं सारे के सारे जो हैं वो जानी है, ये आप कह रहे हो। कह रहे हैं। तो आपके इमाम के बेटे का निकाह एक दाढ़ी वाले मौलवी ने पढ़ाया, क्यों? दाढ़ी वाले मौलवी ने पढ़ा है, क्या मतलब है, किसे आपके आपके इमाम, ये आप प्रूफ दे सकती है? बिल्कुल, अगर मैंने दे दिया तो क्या आप अपनी स्टेटमेंट वापस लेंगे? मैं स्टेटमेंट वापस लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं, चलो जस्ट जो है ना थोड़ा जज्बाती होगी, मैंने आपको ये कहा कि सारे मूवी अच्छे, दुनिया में अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं लोग, ठीक है, अच्छा, मतलब आप अपनी जो है ना अपनी स्टेटमेंट जो वापस भी ले है रहे उसकी, हो? आप अपनी नहीं मैं स्टेटमेंट स्टेटमेंट वापस, वापस नहीं ले रहा हूँ, जस्ट जस्ट फिर मैं कॉल बैक करता हूँ, आप मुझे एक इमरजेंसी कॉल आ रही है, ठीक है, मैं आपको कॉल अब बैक क्या करता हुआ, हूँ। जाने लगे हैं? मैं जाने नहीं लगा हूँ, होल्ड करें आप, मैं कॉल बैक मैं करता होल्ड हूँ पर हूँ, मैं डरी अगर तीन हूँ, चार मिनट। मैं डरी हूँ। ओ, हाँ, वेट करते हैं इनका, 3-4 मिनट का है, दोबारा कॉल करती हूँ इनको मैं। सारे मौलवी, स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, इनके इमाम का जो निकाह है वो दाढ़ी वाले मौलवी ने पढ़ाया। इनके इमाम को निकाह पढ़ाना भी नहीं आता, अपने बेटों का निकाह जो है वो मौलवी बुला के उनसे निकाह पढ़वाते हैं। करीम आगा खान खुद इमाम होने का दावा करते हैं और निकाह पढ़ाने के लिए दूसरे मसलक के मौलवी हजरात को बुला के अपने बच्चों का निकाह करवाते हैं। ठीक है जी तारिक जमान भाई, अनदर वन बाइट्स द डस्ट। एग्जैक्टली, तो अब ये है, 3 मिनट वेट करती हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि 3 मिनट की कॉल है, मैं अटेंड करके आता हूँ। उधर तो उसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, और उनको ये भी नहीं पता कि हुसैन आगा खान का निकाह जो है वो एक मौलवी ने पढ़ाया था। इनका इमाम उसी मौलवी के पीछे नमाज पढ़ता है, पिक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो ये अपने अब स्टेटमेंट वापस लेंगे इंशाल्लाह। ज्वाइन कर सकते हैं आप हमें कॉल पे, मैंने शायद लिंक दिया आई थिंक, 1 सेकेंड। ये कामरान अली थे फ्रॉम पाकिस्तान कराची, लाइव स्ट्रीम ज्वाइन लिंक, ज्वाइन कर सकते हैं, अगर ये नहीं आया तो हम ऑफ कर देंगे। फरो भाई क्या कह रहे हैं? अली नाई चित्राली बहुत शिद्दत के साथ आपके प्रोग्राम में आते हैं, मगर इनके पास इनके अपने दिन की मालूमात भी मुकम्मल नहीं। यही मुझे बताना है इन लोगों को कि आप लोगों के पास सिर्फ यही है, फिरका, मौलवी, मुल्ला, मदरसा, यानी कहीं से ही पूछो कि आपका इमाम जो है वो शराब क्यों बेचता है, तो उनके पास जवाब नहीं होता, वो ये कहते हैं तुम्हारा मौलवी भी तो ये करता है, यानी कि गुनाह को डिफेंड करने के लिए इनके पास सिर्फ गुनाह ही होता है। ज्वाइन लिंक पर कनेक्ट कर सकते हैं, मैं इनको अब कॉल करने लगी हूँ। लेट्स सी, डिक्लाइंड हो गया। आप सब जमात में लाखों लाखों मुबारक। अल्लाह मेरे जमात में हक दुआ मांगी याली या नूर मौलाना जा करीम हुसैन हाजरी माम कुदरत की हाजरी माम कुदरत ने सेले दम तुझे इमाम ने सलामती याली या हाजरी माम कुदरत ने दसवां शुक्रे इबादत मंद
वाला इखलास मोहब्बत में पधारो या लिया नाजरी दरिश ने नेक उम्मीदो पूरी या लिया नाजरी मांग दरिश ने हबी कपी सामा या लिया नाजरी मांग दरिश ने सिरातल मुस्तकीम ऊपर काया या लिया हाजरी मांग दरिश ने सोच सवा समर्था में अब बनियाला हिम्मत या लिया हाजरी मांग दरिश ने तारा हिम्मत या लिया हाजरी मां तू दरेक ने केवालो पटलो जी नने दुनिया मुआ या लिया हाजरी मां दरेक ने तंदुरस्ती भरू लोगू आविश्या या लिया हाजरी मां दरेक ने सुखी सलाम में दो पुरी। दिन में तीन दफा इया कना बुदू व इया कनस्ताइन पढ़ने वाले उनकी दुआ आपने सुनी है हर चीज में या अली या हाजिर इमाम, अल्लाह आपने कहीं नहीं सुना। और ये इनकी जमात खानों की दुआ है। उसके बावजूद भी इनका ये कहना कि हम अल्लाह पर यकीन करते हैं, अल्लाह ही से मदद मांगते हैं और अल्लाह ही को पुकारते हैं, तो ये इनका झूठ है। और यह सिर्फ एक प्रूफ था, बहुत सारे प्रूफ हैं। और इसके अलावा कई सारे एक्स इस्माइली जो कि अब मुसलमान हो चुके हैं, वो इस बात की गवाही और शहादत देते हैं कि इस्माइली मज़हब में अल्लाह भी आगा खान है, अली भी आगा खान है, इमाम भी आगा खान है, कुरान भी आगा खान है। इनके यहाँ कुरान की कोई हैसियत नहीं, कुरान की कोई वैल्यू नहीं। कुरान को सिर्फ ये इस तरह इज्जत देते हैं कि कुरान उस ज़माने के लिए था और वो भी इल्हामी किताब थी, इस ज़माने के लिए गिनान है और इनका आगा खान है। आगा खान जो चीज़ें बोलता है, जो करता है, जो कहता है, वो इनका चलता फिरता कुरान है और उसी की फरमाबरदारी के चक्कर में इन्होंने तमाम तर इस्लाम के जितने भी कानून हैं, जितने भी कमांडमेंट्स हैं, सबको जो है वो ख़त्म कर दिया सिरे से। ना नमाज़ पढ़ते हैं, ना रोज़ा रखते हैं, ना हज करते हैं। इसके अलावा इनके यहाँ इबादत किसी भी गंदी हालत में, जिस तरह का भी आप पर गुस्ल वाजिब हो, वज़ू वाजिब हो, वो किए बिना ही इनके औरत और मर्द जो हैं वो जमात खानों में जाके आगा खान को पुकारते हैं। लेकिन जब इनकी कॉल्स मेरे पास आती हैं तो या तो ये गालियां देते हैं या फिर इनके पास इस तरह की अहमकाना और फजूल बातें होती हैं कि अगर हमारा इमाम शराब बेचता है तो तुम्हारा मौलवी भी तो बच्चों के साथ ऐसा करता है। यानी कि इस्माइलिज्म इज इक्वल टू अगेन वन अनदर एक और सिन, किसी दूसरे का गुनाह बताकर यह साबित करना कि अगर हमारा इमाम गुनाह करता है तो तुम लोगों का फलां फलां भी तो गुनाह करता है। तो गुनाह करने वाला अहले सुन्ना का हो, अहले तशी का हो, या आगा खानी हो, बोरी हो, किसी भी मसलक और मजहब का हो, अगर गुनाह करता है तो वो गुनाह होता है। आपका इमाम शराब बेचता है, उसको आप इस तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अहले सुन्नत के या अहले तशी के मौलवी हजरात ऐसा करते हैं, ये कोई जवाब नहीं हुआ। अगली बार अगर इस तरह का जवाब लेकर आएंगे तो फिर यही सोचिएगा कि आपका इमाम फिर उन्हीं मौलवियों से अपने बच्चों के निकाह क्यों पढ़वाता है, खुद क्यों नहीं पढ़ता निकाह। आगा खान खुद को इमाम कहता है और फिर दूसरों के इमाम को बुलाकर अपने बच्चों के निकाह करवाता है, तो ये कहाँ का इंसाफ है और कहाँ का इमाम है। ये मेरी कॉल डिक्लाइन कर रहे हैं, एक आखिरी दफा ट्राई करती हूँ, अगर नहीं आए तो फिर एक और शह सवार गिरा मैदाने हक में। जज़ाकअल्लाह खैर फैसल मलिक भाई जी। कामराज हेलो, हो गई आपकी कॉल? जी जी हो गया, बोले। आपके इमाम के बेटे के निकाह पर हम बात कर रहे थे। आपको पता है कि आपके इमाम के बेटी का निकाह जो है वो एक मौलवी ने पढ़ाया था? पता है। आपको नहीं पता? अच्छा मैं आपको नाम बताती हूँ उसका। उसका नाम है सैयद मोहम्मद अल मुसावी, दाढ़ी वाला मौलवी है। आपने कहा तमाम दाढ़ी वाले जो हैं वो मदरसों में बच्चों के साथ जिना करते हैं। मैंने आपको जस्ट सवाल किया, पाकिस्तान में लोग ऐसे क्यों करते हैं, मौलवी ऐसे क्यों करते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। मौलवी क्यों करते हैं? क्योंकि मौलवी जो है वो इन दी एंड होता तो इंसान ही है ना,
आसमानी फरिश्ता, इंसान बिल्कुल इंसान है। तो आसमानी फरिश्ता तो नहीं है। आप लोग मुसलमान, एक आप लोग खुद सेकेंड, को आप लोग बड़ा अगर मुसलमान समझते तो ये मैं मुनासिब तो ये तो प्योर मैं मुसलमान, इस तरह का मुसलमान, अच्छा इस तरह का मुसलमान भी नहीं नहीं होता है होता, अगर मैं यही मैं कह रही हूँ कि इस तरह नहीं का होता। मुसलमान नहीं होता। अगर अगर किसी भी मसलक मजहब, चाहे वो शिया मजहब हो, चाहे वो सुन्नी मजहब हो, चाहे आका खानी, बोरी, दाऊदी, किसी का भी उठा लें, अगर कोई इंसान गलत करता है तो वो गलत करता है ना, मानते हो आप इस बात को? तो शराब बेचना हलाल है या हराम है इस्माइली मजहब में? मुझे इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। कट, ओहो, मेरा सबर भारी पड़ रहा है इनको। कट हो गया फिर। कॉल करते क्यों फिर? कट हो गया, ये नहीं उठाएंगे, इनको समझ आ गई है मेरी बात। मुनीर आलम कहते हैं, जलती रहो हर वक्त, हमारे भी ये अल्लाह से दुआ है कि तुम जैसा फितना लोग जलते रहो, देखते रहो हमारा क्या बिगाड़ सकते हो। बहुत कुछ बिगाड़ दिया है तुम्हारी सोच है मुनीर आलम साहब। कॉल आ गई इनकी। जी मुन जी, कामरान साहब हेलो। जी बोलिए। जी सही, मैं यहाँ पे कोई आया हूँ बाहर, तो इसलिए मैं आपको बोल रोक करूँ बार बार, यहाँ पे कोई मसला आए नहीं लोगों है, के सामने गेस्ट कोई मसला नहीं है। करते। चलो मैं आपको ऐसा करता हूँ, मैं आपको फ्री होके कॉल करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे कितने आ बजे तक जाएंगे गेस्ट करेंगे आए लोगों आप? के सामने, आपसे मैं इस टॉपिक मैं आपको तकरीबन आधे घंटे तक कॉल बैक करूंगा, अच्छा, गेस्ट के सामने आप आका खान की ठीक बात नहीं कर सकते ना, है? मसला नहीं हो आका जाए। वो भी अपनी है, डोंट वेरी, वो मसला नहीं है हमारे अपने ही है। हाँ तो कोई बात नहीं, उनको भी ले आइए। नहीं मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, ये मैं उसे नहीं समझता हूँ किसी की इंसल्ट करना या किसी के सामने किसी की गइबत करना, यू नो। गिबत तब होती है जब आप हक नहीं बयान कर रहे होते, आप झूठ बोल रहे होते हैं। मैं गिबत तो नहीं कर रही। यार प्लीज प्लीज लेट इट, आप आपने जवाब ऐसे दिया आपने नहीं अभी तक, अभी आपने मतलब साफ मैंने सुना आपने कोई क्यों नहीं तकरीबन 7 दफा आपसे पूछा इसका कि इस्माइली मजहब में शराब बेचना हलाल है या हराम, आप जवाब नहीं देते, आप चले जाते हो। क्यों? हराम है, किसने कहा हलाल है? ये आप लोगों के नजरों में शायद हलाल है, हमारे नजरों में तो हराम फिर है। आपका इमाम क्यों बेचता है? मुझे तो जवाब अभी तक इसका नहीं मिला तो नहीं यार है। ये आप सेरेना होटल को लाके आप हमारे इमाम के साथ कंप्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? आपके इमाम ने कंप्लेन क्यों खुद कर कहा रहे है, हैं? आपके इमाम ने खुद कहा है कि मैं बेचता हूं, खुद कहा है। दिखाओ मुझे, इस चीज का प्रूफ दिखाओ। चलो अच्छा चलो मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट रुको। सरीना होटल्स की ओपनिंग है कोयटा के। लो गए फिर, गए फिर, गए इन्होंने इसी तरह भागते रहना है, जाने दो। अच्छा जिनको जिनको नहीं पता मैं उनको दिखा देती हूँ कि इनके मुनीर आलम गालियां देके क्या साबित कर रहे हो कि तुम्हें तुम्हारे पास जवाब नहीं है। तुम्हारी गाली का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और गाली से तो मैं खुश होती हूँ कि मेरी मेरी बात जो है ना वो तुम्हें बहुत चुभ रही है, इसीलिए तो तुम तड़प रहे हो। इमाम शराब बेचता है और सिर्फ शराब के पैसे वसूल करता है, बेचता नहीं सिर्फ शराब के पैसे वसूल करता है। दोनों बातें सही हैं, मतलब बेचता है, बेचने के तो उन्होंने खुद एतराफ किया है। लाइए मैं दिखा देती हूँ, सरीना होटल किधर गया, एक सेकंड में दिखाती हूँ आप लोगों को। सरीना होटल, वाइन सेलिंग, आका खान एड्रेस, कोयटा सरीना होटल की जो है वो आगा खान ने, हाँ ये रहा। वाई डू सरीना होटल्स का, एक मिनट मुझे स्क्रीन शेयर करने दीजिए, ये इनके इनकी अपनी वेबसाइट है, ताकि फिर ये ना बोले कि अलीना तुम खुद से बनाती हो। ये लो, इसका टॉपिक ही यही है कि वाई डू सरीना होटल्स एंड द आगा खान म्यूजियम सर्व अल्कोहल, क्यों सरीना होटल में और इनके म्यूजियम में शराब सर्व की जाती है, नोश करवाई जाती है, क्यों पिलाई जाती है। तो यहाँ पे इनका इमाम का ये देखिए एड्रेस, हेयर इज व्हाट मौलाना हाजर इमाम सेड रिगार्डिंग द टॉपिक एट द ओपनिंग ऑफ सरीना होटल क्वेटा पाकिस्तान। नीचे देखिए एड्रेस, एट सरीना होटल ओपनिंग सेरेमनी क्वेटा पाकिस्तान 16 मार्च 1989। इनके इमाम ने फर्स्ट लाइन में ही लिखा है कि इज इट बिकॉज, क्योंकि अल्कोहल इज नॉट सोल्ड फ्रीली, क्योंकि यहाँ पे खुलेआम नहीं बेची जाती, एंड इज अवेलेबल टू फॉरेनर्स ओनली, क्योंकि हम फिर गैर मुल्कियों को ही बस पिलाते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पे ट्रेडिशनल डांसिंग परमिटेड है, और इसके अपने कुछ फवायद हैं, और इसके कुछ अपने एक खास फवायद हैं,
तुर्की मोरक्को की मिसालें दे रहे हैं, मलेशिया की, जहां पर बहुत लार्ज मेजोरिटीज में मुस्लिम रहते हैं और वहां पे इसको सही माना जाता है। यानी इनके इमाम खुद अपने शराब बेचने को दूसरे मुल्कों से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि वहां पे टूरिज्म प्रमोट करने के लिए नाचना और शराब पिलाना वहां पर आम है। तो ये अगर किसी को तकलीफ है, किसी इस्माइली को, तो वो वहां जाकर ये देख सकता है। इस्माइली गिनोसिस पर बहुत सारे सवाल भी हैं, जिसमें से एक सवाल तो ये है, दूसरा ये कि इस्माइली हज पे क्यों नहीं जाते, इसका भी जवाब वहां पर मौजूद है। तो जो इस्माइली ये कहता है कि हमारा हज जो है वो होता है, तो वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। और इनके इमाम ने खुद कहा है कि मैं सरीना होटल में शराब बेचता हूँ। तो मेरे ख्याल से अब जिस जो एतराज कर रहे थे उनके मुंह पर एक ताले लग जाने चाहिए। ठीक, तो ये तुम क्या जाहिर करना चाहती हो, किसी के मजहब पर डिफाइन नहीं कर सकते, आप खुद भी पैदा होते हैं मुसलमान था, आपने अडॉप्ट किया, मजबूर है इंसानों के, मतलब मजबूर है इंसान, मतलब कैसी मजबूरी है एक ऐसे इंसान को फॉलो करना जो कि खुद अल्लाह का नाफरमान है, ना वो हज पे जाता है, ना वो रोजे रखता है, ना वो अपनी जमात को रोजे रखने की तलकीन करता है, ना नमाज पढ़ता है, ना पढ़ने का कहता है। आज तक उसने अपनी जमात के लिए इमामत नहीं करवाई, लेकिन वो खुद को इमाम कहलवाता है, खुद को मजर खुदा बोलता है, सुअर का गोश्त बेचता है, गैम्बलिंग करता है, घोड़ों पर सट्टा खेलता है, औरतों के साथ उसकी तकरीबन 36 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। और मैं अब उस पर प्रोग्राम करने वाली हूँ कि ये आपका जो इमाम है इसकी 2 शादियों के अलावा 36 उसकी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। तो इमाम में क्या इमाम है, या उसको ये पता नहीं कि इस्लाम में बिना शादी के गर्लफ्रेंड्स रखना कितना कब कितना बड़ा जिना है और गुना है। लेकिन नहीं, इमाम है, उसको उसको आप लोगों ने छूट दी हुई है, खुले सांड की तरह वो जो करता फिरे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को, मुनीर आदम आपको मैं लास्ट रिमाइंडर दे रही हूँ, और ये उसके बाद स्ट्रीम यार्ड का लिंक है, ये सारी जो गालियां दे रहे हो ना, एक दफा लाइव स्ट्रीम पे आ जाओ और यहाँ पर आकर देके बताओ, और फिर तुम्हारे घर में मैं ये लाइव स्ट्रीम सेंड करूंगी और बताऊंगी कि ये मुनीर आलम आपके घर का बड़ा मर्द औरतों के साथ ऐसा बिहेव करता है। आ जाओ। अच्छा, फैसल मलिक भाई क्या कहते हैं, टेकिंग टॉकिंग अबाउट दीन इज एक्सट्रीमिज्म एंड सेलिंग अल्कोहल इज फाइन। ये इनकी मुनाफ़त कह सकते हैं। मैं सरीना होटल में काम किया है, मुझे सब पता है वहाँ क्या होता है। अच्छा, बिल्कुल, हमें सबको बता के वीडियो भी मौजूद है, एंजेला कार्सन की वीडियो है, सिर्फ इतना सर्च करें एंजेला कार्सन इस्लामाबाद सरीना, इतना लिखिए, या इस्लामाबाद पिशावर, दो वीडियो हैं, दोनों वीडियो के आखिरी मिनट्स पे देखिएगा कि वो शराब ऑर्डर करती है और उसके रूम में सरीना होटल में सर्व की जाती है। मैसेजेस कर रहे हैं मुझे ये, ओके, गाली भी दे रहे हो, मतलब जवाब नहीं तो गाली आ गई। अच्छा, सवाति कहती हैं अस्तगफुरुल्लाह, इस्लाम में शराब हराम है, बिल्कुल हराम है, बेचना पीना बिल्कुल हराम है, लेकिन ये लोग इन्होंने हलाल बना दिया है। और इनका इमाम तो कहता है कि मैं गैर मुल्कियों को पिलाता हूँ, तो क्या गैर मुल्की जो हैं वो उनका उनको जहर पिलाना जायज़ हो गया एक इमाम को? नथिंग टू मच टू से, आखान हैज लॉस्ट द गेम प्लान, बिल्कुल। और अनकरीब इनका पूरा जो मजहब है वो अभी गिर तो चुका है, अब बस कुछ चंद जिद्दी लोग हैं जो अपनी ईगो में आके इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं मुझे एक चीज़ की हैरत होती है, कुरान आपके इर्द गिर्द एक हकीकत की तरह घूम रहा है, आपके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सारी हकीकतें आपके सामने, इंटरनेट पर आप कुछ भी लिखो तो आपके सामने आ जाता है, उसके बावजूद भी आप इस्माइली आगाखानियों की बदनसीबी देखो कि कुरान के होते हुए गुमराह, हकीकतें इंटरनेट के थ्रू सब कुछ सामने है फिर भी गुमराह, आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। तो इस पट्टी का इलाज सिर्फ यही है कि अब ये अपनी जिद छोड़ दें और हकीकत को एक्सेप्ट करें और इस्लाम ले आए। इस्माइली भी करते हैं, काउंसिल वाले छुपा लेते हैं, वो मुखी खुद शराब पी के जाता है जमात खानों में, ये सबको पता है। अपॉइंट ही ऐसे लोगों को किया जाता है जो बहुत पैसे वाले होते हैं और शराब पीते हैं। मैं आपको कहता हूँ, जब आप पैदा हुई थी तब आप कौन सी मजहब से थी? जब मैं पैदा हुई थी तो मैं इस्माइली थी। अब्बास एम खान जी बोलिए। मैं डिफाइन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इस्लाम की हकीकत है, कुरान मेरे पास मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद है, उससे डिफाइन कर रही हूँ मैं। एम अब्बास खान, अब्बास एम खान।
अब ये बात तो समझ आ गई कि कोई आगा खानी जो है वो अभी नहीं आएगा, और जो आते हैं वो एक 10 मिनट की खाली उनके साथ बात हो जाए और वो अपने पैर जो है ना अपनी टांगे अपने सर पे रख के भागते हैं। चले बहुत शुक्रिया आप सबका, इंशाल्लाह कोई आता है तो फिर दोबारा से लाइव स्ट्रीम रखेंगे, क्योंकि अभी जो ऑडियंस में बैठे हुए मेरे ख्याल से अभी उसमें उनमें इतना दम नहीं है कि वो अपने मजहब को संभाल सकें या समझा सकें। समझाने के लिए कोई आना चाहता तो बिल्कुल आशय आ जाए, मैं 5 मिनट का टाइम देती हूँ, नहीं आ सकते तो फिर ऑफकोर्स अंडरस्टैंडेबल है। आगा खानिज्म एक्सपोज हमारा दूसरा चैनल है, इसको भी ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिए कि इन केस का भी हमारे चैनल पे कोई प्रॉब्लम, रिपोर्टिंग करते ही ये लोग और करते रहेंगे और इनकी यही जो है वो आखिर में बस चलता है, तो दूसरा चैनल आपके पास बैकअप में होना चाहिए। मैं जरा कॉमेंट्स पढ़ रही हूँ, आगा खान दुनिया का शरीफ इंसान था, मतलब था आगा खान दुनिया का शरीफ इंसान। अच्छा यहाँ पे हमारी बहन क्या कहती हैं, आज तक एक भी ऐसा स्माइली नहीं मिला जो डिफेंस कर सके, प्रूफ योर सेल्फ दैट ऑल स्माइलीज आर मुस्लिम। सवाल बहुत डिफिकल्ट कर दिया आपने, सदियों से इनके पास जवाब नहीं है। तारिक भाई बहुत शुक्रिया भैया का। वेरली दोस हु डिसबिलीव इज द सेम टू देम वेदर यू वॉन्ट देम और नॉट दे विल नॉट बिलीव। अल्लाह से अल्लाह सुब्हान तआला ने बिल्कुल फरमाया है कि आप इनको हिदायत दो ना दो ये ईमान नहीं लाने वाले, क्योंकि इनके दिलों पर मोहरें लगी हैं, सुमन बुकमन उम्यून फहम ला यरजून, ये ईमान नहीं लाएंगे, ये समझ नहीं करेंगे। तो कोशिश जारी है, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म से हमने कई महीनों में देखा है कि कितने लोग ईमान ले आए, कितनी कॉल्स मुझे आती हैं और वो सवाल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल करते भी हैं मानते भी हैं। तकरीबन 2 साल से एक बच्चा जो है वो कंटिन्यूस मुझसे फेसबुक पे, जब तब मैं टाइपिंग किया करती थी, तब मैं लाइव स्ट्रीम नहीं करती थी, तो टाइपिंग के बाद अब वो बच्चा वो मुझे उसने फ़ोन किया था और इंशाल्लाह वो भी अनकरीब आएगा लाइव स्ट्रीम में और अपनी रिवर्ट स्टोरी बताएगा। तो उसने बताया कि उसने हमारी फेसबुक पे जो हमारी डिस्कशन चलती थी और टाइपिंग पर उस पर वो कितना सोचा उसने और कितनी उसने तहकीक की और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हो गया है, और उसको क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी हैं। लाइव स्ट्रीम हमारे प्रोग्राम्स कितने लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोगों ने ईमान ले आए हैं, ये आप सब भी विटनेस करते हैं जो काफ़ी दिनों से हमें फॉलो कर रहे हैं। वइया का भाई ताहिर शाकिर भाई अली गिलगित्ती जजाकल्ला सुभान अल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, बेशक इस्लाम कायम रहेगा, बातिल फिरके ख़त्म हो जाएंगे, चंद दिन सर उठाते हैं उसके बाद अल्लाह के जो मुहाफिज हैं, इस दीन के मुहाफिज जो हैं वो अपने मजहब का दिफा करना जानते हैं। डोंट से ईमान नहीं लाएंगे, इंशाल्लाह ईमान लाएंगे। वो अल्लाह के लिए, अल्लाह ने अपने नबी को बताया था कि ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, वो असल में उस सूरा की तर्जुमा था। हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि ईमान नहीं लाएंगे। इस्माइली को मुस्लिम से बायकॉट करो कादियानी की तरह, इंशाल्लाह उस पर भी काम चल रहा है और वो भी होगा। अकेले बैठे बात करी, अगर कोई मुझे ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है, वरना मैं ये लाइव स्ट्रीम ऑफ कर दूंगी। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, 2 मिनट, आई विल कॉल यू लेटर। ओ गाली दे दी, ओके। हाँ हाँ ये कौन है, शेर अहमद कमेंटेड, गाली दे रहे हैं, मतलब गाली के अलावा इस्लाम में कुछ बचा नहीं है क्या? आखन बहुत बापर्दा इंसान था, सॉरी नहीं था, पता नहीं था या नहीं, आप मजाक के मूड में। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कोशिश कामयाब होगी, बहुत शुक्रिया। ठीक है इंशाल्लाह सवाती, हम आपका भी जो है, बेशक आपने हिंदू मजहब से जो है वो इस्लाम एक्सेप्ट किया है, रिवर्ट स्टोरी इंस्पायरिंग होती है, काफ़ी लोगों को इंस्पायर करती है, आपसे रिलेट कर सकते हैं जिन चीज़ों से आप गुजरी हैं या गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे ऑडियंस हैं उनसे हमने अभी कुछ दिन पहले सर्कुलेट भी किया एक मैसेज कि अपनी रिवर्स स्टोरी अगर आप आकर नहीं बता सकते लाइव स्ट्रीम पे बिकॉज सम रीजंस कि आपको अपनी आवाज़ नहीं बतानी है, तो आप अपनी स्टोरी जो है वो लिख कर उसे हमें सेंड कर सकते हैं PDF फॉर्म में, जो हम अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे, और इंशाल्लाह जब तक इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट से कोई चीज़ हटती नहीं है, डिलीट नहीं होती है, तो आपकी स्टोरी जो है वो वहाँ पे रहेगी और हमारे जाने के बाद भी वो स्टोरी कितने लोगों को इंस्पायर करेगी,
तो अपनी स्टोरीज पीडीएफ फॉर्म में, अगर आप लोग वॉइस पे नहीं दे सकते तो अपनी पीडीएफ में लिखकर हमें अपनी स्टोरी सेंड कीजिए। इंशाल्लाह हम आपकी जगह पर उसे लगाएंगे और जितने लोग उसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसमें से हिदायत जिसको जिसको मिलेगी ता कयामत आपको उसका अजर मिलता रहेगा। अपने लिए अजर सवाब का जो है वो इंतजाम अभी से कर लीजिए, नहीं पता कि अगली सुबह हम देखें या ना देखें। अब्यूज इज अ टेस्टिमनी दे आर वरीड एंड जिल्टेड। अलीना एक ऐसी शेर, नहीं मेरी बहन तारीफ नहीं करो, तारीफ नहीं करो, बस दुआ करो, तारीफ नहीं करनी होती है। ठीक है चले जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से अगर रात के, आज मैं प्लान कर रही हूँ कि आज रात को 9:30 बजे के करीब जो हमारा टाइम होता है उसमें हम लोगों ने एक जनरल डिस्कशन पे हम लोग जो है वो अपना एक प्रोग्राम रखेंगे। इंशाल्लाह उसके लिए आपको इनवाइट कर देती हूँ आज इंशाल्लाह 9:30 बजे पाकिस्तान टाइम में। आप सब इनवाइटेड हैं, हम जनरल डिस्कशन करेंगे इस्माइलिज्म पे। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।